Good morning, students. Today we are going to start next article. We have two more applications of Gauss theorem. Two you have done. One was infinite plane, infinite long wire. Second was infinite plane sheet. We have one more cases of infinite plane sheet. We have two plane sheets. So I'm going to start two plane sheets. So the article is, अगर आपके पास two plane sheets हैं और उनकी surface charge density है sigma 1 and sigma 2, then determine the electric field at the point to the left of sheets, between the sheets and to the right of sheets. हमने consider किया है दोनों sheets की surface charge density different है, means उनकी charge capacity जो है that is different, sigma 1 and sigma 2. आगे डायग्राम में देखते हैं. There's more collect in the diagram. There are two plane sheets with surface charge density sigma 1 and sigma 2. We have taken three points. P left की तरफ, दोनों sheets के left की तरफ, region 1 में तीन regions divide कर दिए. तीनों में अलग अलग field निकालेंगे, 1 में, 2 में और 3 में. Q point लिया region 2 में और R पॉइंट लिया रीजन 3 में. देखिए, जहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होता है, आप क्या करते हो, वहाँ पे टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हो. तो मैंने P पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर किया, तो ये वाली शीट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा. E1 इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए दोनों ही बाहर की तरफ है. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. अब Q पॉइंट पे आते हैं. चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रीजन 1 की बात करते हैं. तो P पॉइंट हमने कंसीडर किया, एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पिछले आर्टिकल में निकाला था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सेपरेटली दोनों शीट्स के लिए सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही इस डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि आपकी ये होती है ना एक्स एक्सिस, इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इधर है, इसलिए मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा -E1 -E2, दोनों नेगेटिव हैं. तो -σ1/2ε0, σ2/2ε0, -1/2ε0 कॉमन निकाला, ये आपका फील्ड आ गया इन रीजन 1, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, शीट्स के लेफ्ट साइड की तरफ. रीजन 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हमने क्यू पॉइंट ले रखा है. तो रीजन टू में आपने क्या किया, जहाँ पे क्यू पॉइंट ले रखा है, इस वहाँ पे भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसिडर करोगे. अगर इस शीट के बारे में बात करते हो तो फील्ड इधर आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अगर इस शीट की बात करते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इधर आएगा फील्ड. मेरे ख्याल से आपको ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. तो ये वाला फील्ड तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, तो नेट फील्ड क्या आया आपका, E1 मतलब प्लस वाला -E2. वैल्यूज पुट कीजिए इनकी, E1 की, E2 की, जो कॉमन आता है उसको निकाल लीजिए. तो दिस इज़ योर रिजल्ट. रीजन थर्ड की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पे R पॉइंट लिया है. रीजन थर्ड में पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करोगे, दोनों ही शीट्स का फील्ड रिपेल करेगा, तो इधर आएगा, दोनों ही फील्ड से पॉजिटिव आएंगे. वैल्यूज पुट की, यू आर गेटिंग दिस. तो ये हमारे पास फील्ड्स की एक्सप्रेशंस बन गए. अब वो क्या कहता है, ये दो प्लेन शीट्स को एक्चुअली हम कैपेसिटर के चैप्टर में यूज़ करते हैं. कैपेसिटर क्या होता है, स्पेशल केस लिया हमने कि अगर दोनों शीट्स की चार्ज डेंसिटीज इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं चार्ज की, मतलब पहले के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, मीन चार्ज कैपेसिटी सेम बट टू कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. तो ये मैंने ड्रॉ किया है, एक शीट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज. तो अब देखिए क्या बनेगा एक्सप्रेशन. E1 की बात करते हैं, तो ये था सिग्मा, माइनस सिग्मा हो गया, तो E1 क्या हो गया, 0. यहाँ पे E2 में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस माइनस मतलब प्लस सिग्मा, तो इसको काट के आपके पास आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. E2 सेकंड रीजन में जो फील्ड आएगा, ये वाली वैल्यूज पुट करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा. E3 की बात करते हैं, सिग्मा
माइनस सिग्मा अगेन जीरो. तो इधर वाले फील्ड, इधर वाले रीजन में फील्ड जीरो है. सिर्फ फील्ड कहाँ है? बीच वाले रीजन में. तो अगर हम दो शीट्स की बात करते हैं विच हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटीज, ना इधर फील्ड है ना इधर फील्ड है, सिर्फ बीच में है और कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है. कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, कैपेसिटर के चैप्टर में दोबारा यूज होएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. आपकी गॉस थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है क्योंकि आपकी ये मेन एप्लीकेशंस है और पेपर में ज़रूर इनमें से एक एप्लीकेशन आ जाती है. 95% चांसेस है आने के. तो शेल आता है, कोई भी एप्लीकेशन तीनों में से कोई भी आ सकती है. वो डबल शीट्स वाली जो थी वो आपका एक अलग से केस है. बेसिकली एप्लीकेशंस तीन ही हैं. तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल शेल लिया ये, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. ये सारा चार्ज क्यू मान लिया हमने, जो शेल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है. आपने पहले भी पढ़ा था कि चार्ज सारा शेल के सरफेस पे होता है. हम फील्ड तीन पॉइंट्स लेंगे, एक शेल के बाहर, एक शेल के ऊपर, एक शेल के अंदर. तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड निकालेंगे. पहले हमने शेल से बाहर लिया. आपको पता है जहाँ पे फील्ड निकालते हो वो डिस्टेंस कितने पे होता है? आर पे. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए सारे डायरेक्शंस में रेडियली आउटवर्ड्स हैं. तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि ये पी पॉइंट लिया था आर डिस्टेंस पे, तो ये वैसे डॉटेड ड्रॉ करना होता है. गॉशियन सरफेस ड्रॉ किया क्योंकि शेल पे शेल ही सुइटेबल गॉशियन सरफेस था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, यहाँ पे स्मॉल एरिया लिया डीएस, गॉस थ्योरम अप्लाई की, ई और डीएस के बीच में एंगल ज़ीरो है. डीएस का इंटीग्रल मतलब ये सारे सरफेस का सरफेस एरिया, 4πr², क्योंकि इतने सरफेस की शेल की रेडियस क्या बनती है? स्मॉल r. तो ये आपका आउटसाइड फील्ड आ गया कि शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू बाय 4πε₀r² है. ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r². अगर आपका पी पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लाई करता है यहाँ पे, तो पी पॉइंट यहाँ पे आर डिस्टेंस पे होएगा. आर और आर क्या हो गए? बराबर हो गए. यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो क्या आएगा? 4πr² ई इंटू डी एस, 4πr² इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या आ गया? कैपिटल आर का स्क्वायर, क्यू बाय 4πε₀ कैपिटल आर का स्क्वायर. अगर पी को इनसाइड द शेल लेते हो, ये शेल है जिसकी रेडियस ये कंप्लीट आर है, पी पॉइंट अंदर लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया. अब ये गॉसियन सरफेस है, गॉस थ्योरम अप्लाई की, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही हम चार्ज कंसिडर करते हैं. तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो शेल के ऊपर बाहर है. तो गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज क्या आ गया? ज़ीरो. तो अंदर क्या इसके फील्ड फिर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. तो बाहर ये है सरफेस पे ये है और अंदर क्या है? ज़ीरो है. इसको ग्राफिकल वेरिएशन इसकी ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शेल लिया, रेडियस यहाँ तक, ये बाहर वाला डिस्टेंस. अंदर तो ज़ीरो ही आया था, सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा आया था मैक्सिमम. और उसके बाद आगे की बात करें तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई कम होएगा. सो दिस इज़ योर ग्राफिकल वेरिएशन. सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा यहाँ तक. आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक और ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे. इनको अप्लाई कीजिए, कोई भी बुक लीजिए, यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. सो थैंक यू. Have a nice day and do subscribe.